सोमवार को कांग्रेस द्वारा सांगोद निकाय चुनाव में 13 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया था। शेष रही 12 उम्मीदवार मंगलवार को पार्टी जनप्रतिनिधियों के साथ ढोल नंगाड़े बजाते हुए नगर के प्रमुख मार्गों पर होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां शेष बचे 12 उम्मीदवारों ने भी कांग्रेस पार्टी की ओर से अपनी दावेदारी पेश की। इस दौरान कल जिन उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था वह भी पार्टी के अन्य उम्मीदवारों का हौसला बढ़ाने के लिए रैली में शामिल रहे। रैली में सांगोद कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कुशलपाल सिंह, नगर अध्यक्ष राजेंद्र गहलोत, महिला ब्लॉक अध्यक्ष अलका गुप्ता आदि के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के बागी कार्यकर्ताओं ने भी निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल किए हैं। बता देंगे प्लान प्रोग्राम सर।